नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल, मैं हूं आपके साथ अक्षय बनने भी, और इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के काशी घाट में मैं उपस्थित हूं। काशी घाट वो ये वही घाट है जो काशी विश्वनाथ की नगरी के छोटा सा ये नमूना आप देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए अभी SDM साहब भी उपस्थित हो चुके हैं, जो कि इस घाट के निरीक्षण करने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी उनके साथ साथ यहाँ पर उप सभापति उनके साथ साथ सभापति तमाम लोग प्रशासन कर्मी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। और आप देख रहे हैं सभी लोग यहाँ पर सभी ऑफिसर उपस्थित आ चुके हैं और घाट के निरीक्षण कर रहे हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर बहुत काफी सुंदर सा नजारा आपको देखने को मिल रहा है इस काशी घाट में। और विक्रमगंज के वो घाट ये है जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत काफी भीड़ होता है। विक्रमगंज में एक काशी विश्वनाथ की नगरी जैसा यहाँ पर सजाया गया इस घाट को, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम इस विक्रमगंज के नगर के लोग यहाँ पर आते हैं। कई दूर से लोग आते हैं, यहाँ पर कई गाँव से लोग आते हैं, क्योंकि इस घाट को शुद्धि घाट माना जाता है। और यहाँ पर आप देखते हैं माताएं बहनें सब अपना अर्घ दे करके आ रही हैं, और यहाँ पर चंदा जी भी अभी गुजर रही हैं। ये आप देख रहे हैं, आपको पीछे में सूर्य मंदिर नजर आ रहा है जो काफी सजाया गया इस मंदिर को, काफी सुंदर सा दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप इधर में कैमरा घुमाइए, जितने भी माताएं बहनें हैं वो काऊ नदी से अपना अर्घ दे करके, यानी आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और अर्घ दे करके सीधे यहाँ पर आ रही है। और देखिए यहाँ पर बाकी सब लोग, और ये एक ऐसा पर्व है भारत के महान पर्व छठ पर्व को माना जाता है। और अभी यहाँ पर SDM साहब, विक्रमगंज के SDM साहब, यहाँ पर कार्यपालक पदाधिकारी, यहाँ पर सभापति, उप सभापति, प्रशासन कर्मी और यहाँ पर थाना अध्यक्ष उपस्थित हुए। और अभी आप देख रहे हैं अर्घ दिया गया, अर्घ दिया गया सर, अर्घ दिया गया। आज कौन सा अर्घ दिया आपने? पाला अर्घ यानी डूबते हुए सूर्य। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दिया। ये ऐसा एक पर्व है, यहाँ पर मन्नत भी मांगी जाती है और मन्नत भी पूरा होता है। और आप यही वो दृश्य, यही काऊ नदी है जो आप देख रहे हैं। काऊ नदी एक बार कैमरा को ऊपर करके दिखाया जाए, यहाँ पर हजारों हजार की भीड़। और सबसे बड़ी बात कि नगर परिषद की तरफ से यहाँ पर विक्रमगंज में हर जगहों पे आप देख रहे हैं ब्रिगेडिंग किया गया है नीचे में, उसके साथ साथ हर जगहों पे महिलाओं को, माताओं बहनों को कपड़ा पहनने के लिए, वस्त्र पहनने के लिए यहाँ व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर देखिए अभी निगरानी डिपार्टमेंट में हमारे प्रशासन कर्मी और यहाँ पर SDM साहब भी उपस्थित हैं, और यहाँ पर तमाम पदाधिकारी विक्रमगंज नगर के तमाम वार्ड यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं सबसे पहले सर आपसे जानकारी लेने का प्रयास करूँगा, क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं दी गई? आप देख सकते हैं हर सुविधा यहाँ उपलब्ध है। नगर परिषद की तरफ से क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं दी गई है? सारी सुविधा जो भी आवश्यकता समझ में आई सब कुछ सब। आज पहला अर्घ है सर, और कल दूसरी अर्घ है। दूसरी अर्घ के सुबह में नगर परिषद की तरफ से क्या क्या यहाँ पर छठ व्रतियों के लिए सुविधाएं आपकी तरफ से दिया जा रहा है नगर परिषद? अभी तो हम लोग गंगा जल का भी व्यवस्था किए हैं इन साल, और इस समय पानी वगैरह जो भी है, हलवा वगैरह कमेटी की तरफ से भी सारी व्यवस्था की गई है, चाय की भी व्यवस्था है। किसी तरह का छठ व्रतियों कोई परेशानी ना हो उसका हम लोग ख्याल रखे हुए हैं। सर किस किस डिपार्ट को यहाँ पर अलॉट किया गया है? पुलिस विभाग है, फायर विभाग है, चिकित्सा विभाग है, हमारे जितने भी विभाग हैं, साथ ही साथ दंडाधिकारी हैं, पूरा पुलिस देख रहे हैं आप, चेक पोस्ट भी बना हुआ है, तो चारों तरफ से यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भीड़ मैनेजमेंट के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, साउंड सिस्टम है, दो दो हम लोग CCTV कैमराज लगाए हुए हैं, जो घाट छोड़ के अलग एरिया है उस एरिया में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, और लगातार सादे लिबास में भी हमारे पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी कर्मी लगे हुए हैं, तो किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। लोग भी आस्था का पर्व है और इसमें बहुत ये सहनशीलता का पर्व है, और
पूर्ण आस्था बिहार का जो सबसे बड़ा त्यौहार है वो है। तो इसमें जितनी भी सुविधाएं और जितनी भी व्यवस्था हो सकती है वो हम लोग किए हैं और आगे से और भी व्यवस्था धीरे धीरे बढ़ती है। सबसे बड़ी व्यवस्था यहाँ पर एक देखी जा रही है कि प्रशासन कर्मी इस नव नदी के इधर और उस पार भी आपको एक बार कैमरा घुमा दिया जाए, आप दोनों तरफ प्रशासन कर्मी को देख रहे हैं। इसमें गोताखोर भी हैं जो कभी नजर नहीं आ रहे लेकिन कहीं कहीं पर हैं, और बैलून से इस घाट को बहुत अच्छा से सजाया गया है, नगर परिषद की तरफ से ब्रिकेटिंग किया गया है ताकि गहरे पानी में ना जाएं, और सबसे बड़ा सतर्क यहां पर यह किया गया है कि अपने बच्चों को पानी के अंदर ना उतरने दें। बने रहिए मेरे साथ, मैं लगातार अपडेटिंग आपको दिखलाते रहूंगा। मैं हूं मोहन कुमार के साथ। हॉस्पिटल यानी एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और इनका भी योगदान इस छठ पूजा महोत्सव में काशी घाट में है, और काफी अपने व्यवस्थाओं के साथ यहाँ पर है, यानी यहाँ पर दवा भी देख रहे हैं, इंजेक्शन भी देख रहे हैं और क्या क्या है ये जानकारियां हमें केजीएन हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर है सर वो देंगे। इनसे कुछ जानकारियां लेने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, थोड़ा सा और इधर आ जाए जैसा कि कैमरा तक आ जाए आप। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हेलो, आर भारत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डब्लू खान केजीएन हॉस्पिटल के मैं मालिक हूँ, प्रोप्राइटर, और विक्रम नगर परिषद वार्ड नंबर 24 के मैं वार्ड पार्षद भी हूँ। ये जो कैंप हमारा लगा हुआ है ये करुणा प्लस केजीएन की तरफ से ये लगाया गया है कि जो माँ बहनें यहाँ आई हुई हैं कहीं उनके साथ कोई घटना दुर्घटना कहीं कुछ हो या पैर में मुचुक आ जाए या बहुत सारा इतना भीड़ है, भीड़ बहुत काफ़ी है यहाँ, कोई घटना घटे तो हमारी हॉस्पिटल का पूरा टीम, कोरोना और केजीएन का पूरा टीम आया हुआ है यहाँ पे कि उसको हम लोग सेवा दे सकें। अगर इससे कुछ ज़्यादा होगा तो हम लोग यहाँ से उठाकर, हमारी एम्बुलेंस भी लगी हुई है बाहर में, मेरी एम्बुलेंस भी लगी हुई है, अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाएगा अचानक तो हमारे एम्बुलेंस से हम लोग हॉस्पिटल ले जाएंगे और हॉस्पिटल में उसका इलाज करेंगे विधिवत, और उसका निःशुल्क है, कोई उसका चार्ज नहीं है। बिल्कुल, अभी हमारे साथ जुड़े थे केजीएन हॉस्पिटल के डायरेक्टर, और ये करुणा अस्पताल जो विक्रमगंज का सबसे बड़ा अस्पताल प्राइवेट का होता है, जहाँ पर एक से बढ़कर एक और सबसे खतरनाक पेशेंटों का इलाज किया जाता है, सर्जरी किया जाता है, उसी हॉस्पिटल से शायद से आपका हॉस्पिटल टच है। हाँ हाँ, ये डॉक्टर गरीबों के मसीहा हमारे गार्जियन डॉक्टर कमेंदर सिंह के सौजन्य से यहाँ पे ये कैंप लगाया गया है, जो करुणा के मालिक है और प्रबंधक है, जो कि वो उनका इरादा हुआ कि नहीं हम भी इसमें सेवा करें और छठ व्रती माँ बहनों का भाइयों का हम सेवा दें, तो इसके लिए हर साल लगता है, पहले से भी लगता रहा है, इन साल भी लगा हुआ है। बाकी हमारे सभी वहाँ हमारे हॉस्पिटल के जो भी स्टाफ हैं, सिस्टर हैं, वो सब लोग यहाँ पे आकर अपना सेवा देने के लिए छठी मैया ऐसे ऐसे लोगों की रक्षा करते रहे, आगे बढ़ाते रहे, हर मनोकामनाओं को पूर्ण करें, और ऐसा इन लोगों को सफलता के राह दिखलाए, सफलता के राह पर ले चले ताकि और खुल करके और बड़ा स्टॉल लगे और बड़ा सेवा देने का ये लोग प्रयास करें। बस एक नहीं, जी जी बहुत 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 शुक्रिया। अभी हेरिटेज और कल्चर के लिए जाना जाता है और हमारे भारतवर्ष इसी के लिए धनी माना जाता है, और हमारा आज का जो पर्व है, जो छठ पूजा जो है, हमारा आस्था का पर्व है, और हमारा पूरा भारतवर्ष जो है आज इस पर्व को बड़े धूमधाम से मना रहा है, और हम चाहते हैं और हमारी ये इच्छा भी है कि आज हमारे इस महापर्व में आए हम लोग सब लोग सम्मिलित हों और सब लोग इस तरह से मनाते हैं, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। आपका परिचय जानने का प्रयास करूँगा सर, आपका परिचय मैं जानने का प्रयास। देखिए, मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर हूँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, कलकत्ता में अभी कार्यरत हूँ, अभी अपने ससुराल आया हूँ, दमदम में है आप, दमदम एयरपोर्ट पे हूँ यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जानकारी दिया। पंडित कुमार के साथ अच्छा है।